अब हम देखते हैं रेखाओं के समीकरण के प्रकार। देखिए रेखाओं के समीकरण 5 तरीकों से लिखे जा सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो तरीका है वो है बिंदु ढाल रूप, फिर हम लिखेंगे दो बिंदु रूप में, फिर हम लिखेंगे ढाल अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में, और फिर लंब रूप में। तो सबसे पहला हमारा प्रकार देखते हैं जो कि है बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप या हम इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए आप पॉइंट के बारे में और स्लोप के बारे में, इन दोनों के बारे में जानते हैं। बिंदु क्या होता है, कहीं पर भी हमने किसी भी ग्राफ में अगर कोई एक बिंदु लगाया तो उसे हम एक पोजीशन दे सकते हैं। और ढाल हम जानते हैं कि रेखा जो है वो अपनी जगह से कुछ ना कुछ ऊपर उठती है तो उसकी ढाल बनती है। तो अब हम उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए बिंदु ढाल रूप को देखेंगे। देखिए इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। कार्तीय तल में अगर हम ये ग्राफ लें जहां पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हुआ वाई अक्ष। अब हम एक कोई भी रेखा यहां पर ले लेते हैं, ये एक रेखा भी, इस रेखा पर कोई एक ऐसा बिंदु है जिसके बारे में हमें पता है x1 y1 एक ऐसा बिंदु है जो हम जानते हैं कि x1 और y1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरी बात हम इसमें यह जानते हैं कि इस रेखा की ढाल क्या है। हमें मान लीजिए इसकी ढाल दी गई है कि इस रेखा की ढाल यानी कि स्लोप m है और हमें एक ज्ञात बिंदु है दिया गया x1 और y1। अब हम क्या करते हैं, इस रेखा पे कहीं पर भी एक और बिंदु मान लेते हैं अपनी तरफ से जिसको हम कह देंगे x और y। हमने अपनी तरफ से इस पर एक बिंदु ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया x और y। अब देखिए हमें एक ढाल निकालना हमें आता है, किसी भी रेखा की अगर हम लोग ढाल निकालते हैं तो ढाल निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, अगर दो बिंदु दिए गए हों तो वाई में से ये वाला बिंदु घटता है और एक्स में से ये, यानी कि अगर हम इस रेखा की ढाल निकालना चाहें तो इस रेखा की ढाल m बराबर y-y1 बटे x-x1 होगी, क्योंकि ये ढाल का सूत्र होता है। ढाल के सूत्र में हम y में से जो है दूसरा y घटा देते हैं और x में से हमारा ये x1 चला जाएगा। तो अब अगर हम इस x-x1 को इस तरफ ले आए तो अब हम इस समीकरण को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y-y1 बराबर m गुणा x-x1। ये हमारे पास समीकरण हुआ y-y1 बराबर m गुणा x-x1, जहां पर x1 और y1 ये दो बिंदु ऐसे हैं जो हमें ज्ञात हैं और m क्या है, m इस रेखा की ढाल है और x और y ऐसे बिंदु हैं जो हमें नहीं पता है। तो ये हो गई हमारे पास बिंदु ढाल रूप किसी एक रेखा के समीकरण के। अब हम हमारा दूसरा रूप यानी कि दो बिंदु रूप देखते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पहले वाले में क्या था, बिंदु और ढाल पता थी, अब दूसरे का नाम क्या है, दो बिंदु रूप, यानी कि जब आपको दो बिंदु पता होंगे तो आप क्या करेंगे। टू पॉइंट फॉर्म, देखिए ये बिल्कुल बिंदु ढाल रूप की तरह ही है या हम कह सकते हैं उसी का एक दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है कि आप एक बार फिर से उस ग्राफ की तरफ चलते हैं, आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया, यहां पर अपनी एक रेखा बनाई। अब इस रेखा के साथ आपको क्या करना है कि आपको ढाल नहीं पता, पिछली बार क्या था आपको ढाल पता थी, इस बार क्या हो रहा है कि आपको ढाल के बारे में नहीं मालूम, आपको एक बिंदु मालूम है x1 और y1।
इसी रेखा पर एक दूसरा बिंदु भी आपको मालूम है जिसका नाम है x2 और y2। ये दो बिंदु आपको पता है, एक तो जिसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरे के निर्देशांक है x2 y2। अब आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो अगर आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है तो आप क्या करते हो, इस रेखा पर कहीं पर भी एक अज्ञात बिंदु x और y मान लेते हो। एक अज्ञात बिंदु हमने मान लिया x और y। अब देखो, अगर हम इस रेखा का ढाल निकालना चाहें तो इस रेखा की ढाल के लिए हम वापस ढाल के सूत्र पर चलते हैं। ढाल का सूत्र क्या कहता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो हम ढाल निकाल सकते हैं, ये इस रेखा की ढाल हो गई m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब हम अपने बिंदु ढाल रूप को अगर याद करें तो वहां पर क्या था, बिंदु ढाल रूप से हम कह सकते हैं कि y माइनस y1 बराबर m गुना x माइनस x1। ये होता है, ये कैसे होता है, बिंदु ढाल रूप से हम लोग ये लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m गुना x माइनस x1। अब अगर हम ये m उठाकर यहां रख दें, देखो m की वैल्यू ये है, अगर हम ये m उठाकर यहां रख दें तो क्या बनता है, m की जगह हमने रखा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुना x माइनस x1। अब देखिए इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो गया, y और x जो कि हमें नहीं पता, वो तो समीकरण के अंदर आएगा बिल्कुल अज्ञात। x1 y1 x2 y2 ये चीजें क्या है, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ये जो चीजें हैं ये हमें पहले से दी गई होंगी, हमें पता है कि इन बिंदुओं के मान क्या है। तो उन बिंदुओं से हमने ढाल निकाला, ढाल को हमने बिंदु ढाल रूप में रखा और हमारे पास एक दूसरा समीकरण आ जाएगा इस रेखा का। ये हो गया हमारे पास रेखा का एक और समीकरण जो कि है दो बिंदु रूप, यानी कि इसमें हम दो बिंदुओं को इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण बना रहे हैं। अब देखिए, अब हम हमारे तीसरे रूप की तरफ चलते हैं। तीसरा रेखा का रूप है ढाल अंतःखंड रूप। तो सबसे पहली बात है कि अंतःखंड क्या होता है, अंतःखंड क्या होगा, जब हम कोई रेखा बना रहे हैं और वो रेखा किसी अक्ष को काटती है, जब भी कोई रेखा किसी अक्ष को काटती है तो उस कट पॉइंट पर जो भी बिंदु हमें बनता है उसे हम अंतःखंड कहते हैं। जैसे कि हम इस ग्राफ में अगर बात करें, यह हमारे पास y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब यहां पर हमने कोई एक रेखा बनाई, देखिए ये रेखा जो आपने बनाई है ये x अक्ष को तो नहीं कट कर रही है, यहां आप देख रहे हो y अक्ष पे से ये कट करके निकल रही है। तो जब ये y अक्ष पे कट करके निकल रही है तो इसका जो बिंदु है जहां पर ये कट हो रहा है, यहां पर निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष का मान तो जीरो होगा क्योंकि ये y अक्ष पर है, इसलिए x तो जीरो होगा। अब y अक्ष पे हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इस कट को हम लोग c कह देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है, तो इसको हमने क्या कह दिया, अपनी तरफ से एक c कह दिया। अब अगर हमने इसको जीरो और इसको c कहा तो ये तो हमारे लिए बिंदु हो गया जो कि हमें पता है, और एक हम अपनी तरफ से बिंदु मान लेते हैं x और y जो कि हमें नहीं पता। तो अब हम वापस अपने पहले रूप यानी कि ढाल अंतःखंड रूप की तरफ जाएं, तो ये सॉरी बिंदु ढाल रूप की तरफ जाएं, तो वो क्या कहता है, हमारा बिंदु ढाल रूप क्या कहता है, उससे हम लेकर हमारा रूप बनाएंगे तीसरा, और तीसरा रूप हमारा होगा ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप या हम इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो हम लोग कहां पहुंच चुके थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करें और हमारे बिंदु ढाल रूप को इस्तेमाल करें तो हम ये वाला रूप बना सकते हैं। अब हमारा बिंदु ढाल रूप क्या कह रहा था, वो कहता है कि भैया वाई माइनस वाई वन बराबर एम गुणा एक्स माइनस एक्स वन होता है। अब x1 और y1 की जगह जो बिंदु हमें पता है वो है 0 और c, तो x1 और y1 की जगह पर तो हम 0 और c रख देते हैं। तो अब जो हमारे पास आता है वो आता है y माइनस, देखो y1 की जगह आपको दिख रहा है c, तो आपने यहां पे रखा c बराबर m गुणा x माइनस 0, ये बन गया y माइनस c बराबर m गुणा x, या आप इसको कह सकते हो y बराबर mx plus c। तो y बराबर mx plus c रेखा का एक समीकरण हुआ, और ये समीकरण का रूप कौन सा होगा, इस समीकरण का रूप होगा ढाल अंतःखंड रूप। क्यों, इसमें आप ढाल को इस्तेमाल कर रहे हो m को, अंतःखंड यानी कि आप c को इस्तेमाल कर रहे हो। अंतःखंड क्या है, रेखा ने y अक्ष पे जो बिंदु काटा उसको आपने अंतःखंड बोला। अभी जब हमारी रेखा एक अंतःखंड काट रही थी तो हमने ढाल अंतःखंड रूप बनाया, पर ऐसा भी तो हो सकता है वो दोनों जगह काटे। तो अब हम ऐसा करते हैं, हमारी रेखा को और आगे बढ़ाते हैं और दोनों जगह अंतःखंड काटते हैं। अब जब रेखा x अक्ष पे काटेगी तो x अक्ष पे काटेगी तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो a और 0 हम मान सकते हैं, y अक्ष यहां पे 0 होगा क्योंकि x अक्ष पे बना हुआ है और y x अक्ष की जगह पर आ जाएगा a, और इसी प्रकार से इसका जो होगा निर्देशांक वो 0 और b हम लोग कह सकते हैं। ये हो गया हमारे पास a और 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 और b, और उसी तरह से हम बीच में कहीं पर भी एक अपनी तरफ से बिंदु मान लेते हैं, अज्ञात बिंदु x और y। अब हम इन बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं चौथा पॉइंट, चौथी समीकरण यानी कि अंतःखंड समीकरण। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में दो इंटरसेप्ट कट रहे हैं, एक एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे दो बिंदु रूप को याद कर सकते हैं। दो बिंदु रूप में क्या था कि हमें दो बिंदु पता थे, यहां भी हमें दो बिंदु पता है, तो हम क्या करें ढाल निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस रेखा की ढाल निकाल के लाते हैं तो हमें मिलता है देखो y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस b, तो m बराबर 0 माइनस b बटे x2 माइनस x1, तो x2 की जगह आपको दिख रहा है a और x1 की जगह दिख रहा है 0, तो a माइनस 0 आप यहां लिख सकते हो। अब हमारा जो रेखा का समीकरण है वो क्या कहता है, y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। तो हम लोग कहते हैं कि चूंकि y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1 होता है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने इन दोनों में से x1 y1 किसको इस्तेमाल किया था, आपने इस्तेमाल किया था x1 y1 इस वाले को, और इसको इस्तेमाल किया था x2 y2, तो उसी तरीके से आपको यहां रखना है। तो y माइनस y1 की जगह पर लिखा हुआ है b, तो हमने यहां लिखा y माइनस b, m की जगह हम लोग ले लेते हैं माइनस का b बटा a, x माइनस x1 की जगह पर हमें क्या मिल जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये a इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ay माइनस ab बराबर माइनस का bx, ये हमने ब्रैकेट खोला माइनस b इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ay plus bx बराबर ab, इसको हम इस तरफ ले आए ab को उधर ले गए। अब अगर इस ab को नीचे हम ले जाते हैं भाग दे देते हैं, तो अब हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं
ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटा ए बी बराबर एक। मैं इस ए बी को जो है वो नीचे की तरफ ले आया, तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, और अब ये जो समीकरण है हमारे पास ये बन जाएगा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर एक। यहां से हम लोग यहां पर गए a बटा बी, तो सॉरी x बटा a ये बना, y बटा b ये बना, और इस तरफ रह गया एक। तो a और b तो क्या है, दोनों अक्षों पे काटे गए अंत्यखंड। x और y क्या है, अज्ञात बिंदु। ये हमारे पास समीकरण बन गया अंत्यखंड रूप में। हम लास्ट देखते हैं लंब रूप। लंब को हम हमेशा नॉर्मल कहते हैं ज्योमेट्री में, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास एक रेखा दी गई है, उस रेखा पर कोई लंब डला हुआ है। जैसे कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। अब x अक्ष और y अक्ष में यहां पर हम देखें, यहां पर एक रेखा बनी हुई है, अब इस रेखा पर एक लंब डला हुआ है। देखिए इस रेखा पर यहां पर मूल बिंदु से एक लंब डला हुआ है। अब इस लंब की जो लंबाई है, हमें दिया गया है कि इस लंब की लंबाई P है। इस लंब की लंबाई जो है वो हमें दी गई है कितनी, P। और ये जो लंब बना है, ये लंब X अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। ये लंब जो है X अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो अब इसका अगर हम लोग समीकरण लिखेंगे, तो इस रेखा का जो समीकरण बनता है लंब रूप में, जहां पर एक रेखा पर मूल बिंदु से एक लंब डाला गया है और वो लंब अल्फा कोण बनाता है, तो इसका समीकरण हमारे पास आता है x गुणा cos अल्फा प्लस y गुणा sin अल्फा बराबर p, जहां पर p क्या है, p है मूल बिंदु से उस रेखा की लंबवत दूरी। देखिए लंब की जो भी लंबाई होगी वो सीधी सी बात है कि इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास P। ये हमारे पास समीकरण बनता है x cos alpha plus y sin alpha बराबर P। तो ये हमारे पास होते हैं रेखा के समीकरण के पांचों रूप।